ख्वाब, वो ये झलकियां, मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा? क्यों? ये क्या हो रहा है बेटा? कोई तो वजह होगी उस मनहूस ख्वाब के वापस आने की। वही बेचैनी, वैसी ही घबराहट हो रही है मुझे जैसी उस दिन हुई थी जब मेरा बेटा मुस्तफा उस गुफा के अंदर दाखिल हुआ था। खुल जा सिम 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 सिम। क्या तारीख दोहराने वाली है खुद को? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है? नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया हर दफा सिमसिम ने, बेवकूफ जादूगर। बहुत नाज है ना तुझे तलिस्मान के जादू पर तू भूल गया कि वो हमारा तलिस्मान है, इबलिस का तलिस्मान है वो, और अब इस तलिस्मान को लेने खुद सिमसिम आ रही है। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे जादूगर, अब तुझे तेरे ही घर में अपनों के बीच अंजाम तक पहुंचाऊंगी मैं। देखते हैं कौन करता है रखवाली रखवाले की। अब बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब खेल भी मेरा बाजी भी मेरी। आ रही है सिमसिम। दस्तक है ये शैतानी ताकत के आने की, शैतानों के सरगना इबलिस की आहट है ये। जरूर सिमसिम को चाल चल रही है, अब क्या करने वाली हो सिमसिम तुम? अली कहाँ है मेरा अली? वो तलिस्मान लेने आ रही है। अली अली कहाँ है तू? वक्त हाथ से फिसलता दिख रहा है मुझे, कयामत आती दिख रही है।
आसमान काला पड़ रहा है। जरूर किसी बड़ी ताकत ने जमीन पर कदम रख दिए हैं। अब ये कदम नहीं रुकने वाले, हर कदम पर मौत का साया होगा। बेवकूफ जादूगर, देख कयामत खुद आ रही है तेरे पास। रोक सके तो रोक ले, क्योंकि तेरे लिए खुद सिमसिम आ रही है। ये घबराहट, ये बेचैनी मेरी बेवजह नहीं है। जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे ऊपर वाले, मेरे प्रवास को बचा। जब तक आसमान में चांद सलामत है, पत्थर की कब्र में रहेंगे, सारे गुनाहगार, कोई बहुत बड़ी ताकत इंसानियत के खिलाफ खड़ी होने वाली है। 40 चोरों से भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। देखिए कौन? अली, कहाँ है तू? अली, तू ही बचा सकता है इंसानियत को, प्रवास को अपने तलिस्मान के साथ। कहाँ है तू? इंसान अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, चाहे कितना भी समझा लो, बाज ही नहीं आते। सद्दाम, तुम भी अपनी आदत से मजबूर हो, पर तुम भूल गए कि छिपा इंसानों से जाता है, सिमसिम से नहीं। इस नाचीज का सलाम कबूल करें मलिका इत्तबाही, आपका दीदार ही है बेचैन दिलों की दवाई। मलिका इत्तबाही, आपने इस दुनिया की खूबसूरती बढ़ा दी। आप जानती हैं, आपके जो कदम इंसानी दुनिया पर पड़े हैं, रखने पड़े
तुम सब जादूगर को ढूंढने में नाकामयाब जो रहे, लेकिन वो लम्हा अब दूर नहीं जब तलस्मान मेरे हाथों में होगा, क्योंकि अब सिमसिम खुद जाएगी परवाज। मैं खुद ढूंढूंगी उस जादूगर को, चाहे उसके लिए पूरे परवास को खून के आंसू क्यों ना रुलाने पड़े। तड़पेगा परवास जब होगा सिमसिम का आगाज। आपको परवास तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस नाचीज की है सिमसिम दी। बस एक मौका दीजिएगा हमें, हमें मालूम है परवास तक जाने का रास्ता। किसकी झलक दिख रही है मुझे? ये झलकियां मुझे क्या बताना चाहती हैं? कौन है वो बुरी ताकत जो प्रवास की तरफ बढ़ रही है? मैं देख क्यों नहीं पा रही हूं उसे? अली ने पूरे प्रवास को ढाल के साथ महफूज रखा है, लेकिन कई बुरी ताकतों ने ढाल को पार करने का तरीका तो नहीं खोज लिया? कौन है जो बुरी ताकतों के साथ प्रवास की तरफ बढ़ रहा है? पता लगाना होगा मुझे कौन है वो बुरी ताकत। 40 चोर या फिर उससे भी बड़ी ताकत। काबुल की शहजादी हमारे कैद में है और अब काबुल शाही हमारा है। जी 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 सिमसिम जी, पूरी दुनिया आपकी है, सारी कायनात आपकी है सिमसिम जी। अगर आप बुरा ना माने तो काबुल शाही तो हम संभाल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप। पहले अपने आप को तो संभाल लो सतनाम, और भूलो मत तुम्हें अब भी हमारे काम आना है। मेरे नूरे ने कहा बहुत गुस्ताखिया की उस जादूगर ने, सब माफ, पर उसने आपको चलाने की हिम्मत की और अब वो खुद चलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। मेरे नूरे ने कहा अब इस गुफा में तभी कदम रखूंगी मैं जब मेरे पास आपका तलस्मान होगा। बहुत जल्दी फिर से जिंदा हो जाएंगे मेरे नूरे ने कहा, क्योंकि आपकी सिमसिम खुद तलस्मान लेने जा रही है। आप परवाह जाइए मौलिका, आका इब्लिश की हिफाजत हम करेंगे। इस गुफा की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, हमें ही करने दो। मेरे नूरे ने कहा आपकी हिफाजत भी आपकी सिमसिम ही करेगी। याद रहे काबुल में कभी भी दहशत कम नहीं होनी चाहिए। एक बार परवाज में अपनी बिसात बिछा लूं, फिर तुम सबको बुलाऊंगी आखिरी दांव खेलने। तबाही परवाज की तरफ खुद चल के आ रही है, वो बुराई साया ताकत जो कुछ भी है
गुफा से बाहर आ चुके हैं। सद्दाम, अब जब सिमसिम खुद जा रही है जादूगर के पास, तो फिर परवाज में बड़ा धमाका होना चाहिए। अब तू ही है अली बाबा जो परवाज को सिमसिम के इस कहर से बचा सकता है। ढूंढ वो तलिस्मन, वापस हासिल कर वो शक्तियां, वरना परवाज को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। कहाँ है तू? सिमसिम, तूने मुझसे मेरा बेटा छीना, मेरा कासिम छीना। अब मेरे अली के लिए गुफा से नई मुसीबत भेज रही है तू, पर इस बार अली रोकेगा तुझे नहीं, मचाने देगा और तबाही। अली, तेरे कंधों पे है परवाज की सारी जिम्मेदारी। तू कहाँ है मेरे बच्चे, तू कहाँ है? सिमसिम की भेजी शैतानी ताकत परवाज में आ चुकी है। बहुत बुरा होने वाला है, परवाज की मुश्किलें बढ़ेंगी, शैतानी ताकत परवाज में कहर बरसाएंगी। इससे पहले कि शैतानी ताकत सब कुछ खत्म कर दे, मुझे अली को ढूंढना होगा। हाँ, मुझे अली को ढूंढना होगा। साहिबान कदरदान, आपका दिल भी इस ढोल की तरह बज रहा होगा और आपकी आंखें ये जानने के लिए तरस रही होगी कि इन मोतियों की चादर के पीछे क्या राज होगा। तो पेशे खिदमत, एक ऐसी अदाकारा जिसकी अदा देखकर आप कुछ और देखना पसंद नहीं करेंगे, तो हटाओ चादर और दिखाओ जलवा।